Hello, my name is Mini Sethi. Today I'm going to describe our standard of living theory of Vaisin. Standard of living theory of Vaisin, substance theory का improved version है. Standard of living theory of Vaisin, substance theory का improved version है. जो किसने दिया? जो दिया टॉरेंस ने. Okay? Standard of living theory किसने दिया? टॉरेंस ने दिया. टॉरेंस क्या बोलते हैं? कि जो employees को आप wage दोगे, वो wage rate किसके बराबर होनी चाहिए? Standard of living के बराबर होनी चाहिए. क्या बोलते हैं? जो आप employees को wage दोगे, वो wage rate standard of living के बराबर होना चाहिए. ठीक है? लेकिन standard of living का मतलब क्या है? Standard of living की बात करें, तो उसमें आपकी include होगी necessaries. Standard of living में आपकी include होगी necessaries plus स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और क्या इंक्लूड होगी आपकी एजुकेशन प्लस रिक्रिएशन टू विच वर्कर्स इज हैबिचुएटेड. अब इसका मतलब क्या है? ये टोरेस बोलते हैं कि जो आप वेजेस दोगे इंप्लॉयज को, वो उनके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बराबर होना चाहिए. अब उनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग में वो इंक्लूड करते हैं नेसेसरीज. मींस आप जो एम्प्लॉयज को वेजेस दोगे, उससे वो नेसेसरी गुड्स खरीद सके. मींस वो गुड्स खरीद सके जो जीने के लिए जरूरी है. क्लोथिंग खरीद सके, फूड खरीद सके. मींस जो भी गुड्स जीने के लिए जरूरी है ना, वो सब खरीद सके. इससे भी नहीं होगा, प्लस आपको वेज रेट को थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा. मींस वेज रेट इतना हो जिससे वो अपने बच्चों को एजुकेशन भी दे सके. प्लस आपको वेज रेट थोड़ा और बढ़ाना पड़ेगा, आपको वेज रेट में उतना और अमाउंट इंक्लूड करना पड़ेगा जिससे वो गुड्स भी खरीद सके जिसका वो हैबिचुएटेड हो चुका है. मीन जिसका वो आदी हो चुका है, उन गुड्स को भी वो खरीद सके. बहुत सारे कंफर्ट गुड्स होते हैं जिनके हम आदी हो चुके होते हैं, हम वो कहते हैं कि वो उन गुड्स को भी खरीद सके जिनका वो आदी हो चुका है. ठीक है? तो टॉरेंस क्या बोलते हैं कि आप लेबर को इतना वेजेस दोगे जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके. और उनके अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? जिसमें आप नेसेसरी गुड्स को भी इंक्लूड करते हो, बच्चों के एजुकेशन को भी इंक्लूड करते हो, प्लस वो गुड्स को इंक्लूड करते हो जिसका एक वर्कर्स आदी हो चुका है. कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि आपको वर्कर्स को इतना पे करना है जिससे वो नेसेसरी नीड्स को भी फुलफिल कर सके, अपने बच्चे को एजुकेशन भी दे सके, प्लस वो सारी गुड्स भी खरीद सके जिसका वो हैबिट्यूट हो चुका है. तो ये बोलते हैं टॉरेंस किसमें? स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थ्योरी में. क्या बोलते हैं? आप वर्कर्स को इतना पे करोगे जिससे वो अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन कर सके. मीन जो आपकी वेजेस है वो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग के बराबर होनी चाहिए. और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या है? जिसमें आप नेसेसरी गुड्स भी आएंगी, एजुकेशन भी आएंगी, और वो सारी गुड्स आएंगी जिसका एक वर्कर्स हैबिट्यूट हो चुका है, जिसका एक वर्कर्स आदी हो चुका है. तो इस की जो मेन क्रिटिसिज्म है वो क्या है? इस थ्योरी की मेन क्रिटिसिज्म ये है, जो जेन्युइन भी आप रियलिटी में भी देखते होगे, ठीक है, ये थ्योरी क्या कहती है कि जो आपकी वेज है वो डिपेंड करती है आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे. क्या बोलती है? जो आपकी वेज है वो आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करती है. आपको उतना वेज मिलेगा जितना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा. ये थ्योरी ये बोलती है कि आपकी वेज रेट आपके स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड करती है. आपको उतना वेज मिलेगा जितना आपका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा. लेकिन अगर हम रियलिटी में देखें, तो रियलिटी में हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारी वेज पे डिपेंड करता है. हमारी कितनी सैलरी है उस बेस पे हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होगा, ना कि हमारी वेज ही डिसाइड करेंगे कि हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग क्या होगा. रियलिटी में क्या होता है? वेज हमारे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग पे डिपेंड नहीं करती, बल्कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हमारे वेज पे डिपेंड करता है. हम कितना कमा रहे हैं, हमारे पास कितने पैसे हैं, उसके अकॉर्डिंग हम हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मेंटेन करते हैं. ओके? तो ये मेन इसकी क्रिटिसिज्म. आई थिंक आपको समझ में आएगी. थैंक यू.